विधायक वीरेंद्र पासवान ने सिंघिया बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण आज मंगलवार के दिन रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र पासवान के द्वारा किया गया। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण के उपरांत प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि काफी वर्षा होने एवं बाढ़ के पानी आ जाने से प्रखंड क्षेत्र के निचले भाग प्रभावित हो गया है। अभी खासकर किसानों को फसल डूबने से क्षति हुई है, वह पशु चारा की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस मामले में उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी से संपर्क कर चारा एवं नाव की व्यवस्था करवा देते हैं। आम लोगों को बाढ़ से किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कौशल सिंह, अशोक चौधरी, संजय कुमार, अंकित कुमार बिट्टू, निशांत कुमार परमार, ब्रजभूषण यादव, बौआ साहू, उपेंद्र मुखिया के अलावे कई लोग उपस्थित थे। सिंघिया प्रखंड में बाढ़ क्षेत्र का आपने दौरा किए हैं, उसमें क्या क्या कमी पाए हैं, क्या क्या उसमें सरकार तरफ से पब्लिक के लिए मिल रहा है, क्या कमी है? सरकार की ओर से निःशुल्क नवंबर माह तक खाद्यान्न देने की बात है और आम जनता इससे लाभ ले रहे हैं। क्षेत्र का निचला भाग है, बारिश में जल जमाव के कारण बाढ़ से परेशानी उत्पन्न होता है। खास करके जो है किसान और मजदूर और मवेशी पालक लोग हैं, उनकी जो समस्या है हरा चारा, इसके लिए वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और इस क्षेत्र के लोगों के लिए खास करके हम संबंधित पदाधिकारी से बात करते हैं जो चारा की कैसे व्यवस्था हो, और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आवाजाही के लिए जहां सड़क से संपर्क भंग हो गया है वहां पर नाव की कैसे व्यवस्था की जाए, आगे बातचीत करके जो है यथाशीघ्र उसकी व्यवस्था की जाएगी।